शराब घोटाला केस में सिसोदिया को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे सिसोदिया को बुलाया है। कल मनीष सिसोदिया से होगी पूछताछ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। शराब घोटाला केस में सिसोदिया को सीबीआई ने नोटिस जारी कर दिया है। सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया को बुलाया है। कल मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। शराब घोटाला मामले में उनका नाम जो सामने आया, इसको लेकर सीबीआई ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। तो कल 11 बजे सिसोदिया को बुलाया गया है। सीबीआई के अधिकारियों के सामने उन्हें पेश होना होगा। कल मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने नोटिस जारी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में अब सामने आना होगा। सीबीआई के अधिकारियों को जवाब देना होगा। उनका नाम जिस तरह से संलिप्त बताया जा रहा है, इसको लेकर सीबीआई ने साफ तौर पर उनसे जवाब तलब किया है। सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया को बुलाया है। कल मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता माविद जुड़ गए हैं। माविद, फिलहाल सीबीआई ने नोटिस जारी कर दिया है, जवाब तलब करना होगा, कल 11 बजे पेश होना है सीबीआई के सामने। क्या जानकारी, अपडेट्स क्या है आपके पास मोहित? देखिए, ये जो पूरा मामला है, उस पूरे मामले में लगातार रेड भी हुई उप मुख्यमंत्री के घर पर, और 16 घंटे तक लगभग ये रेड चली थी। इसके बाद लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री का जो बैंक लॉकर है गाजियाबाद में, वो भी खंगाला गया। लेकिन अभी तक सीबीआई के हाथ आम आदमी पार्टी का कहना था कि कुछ नहीं लगा है, लेकिन जो रेड्स हुई हैं उसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। उन सवालों को लेकर जो है आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को कल जवाब देना होगा। और उप मुख्यमंत्री ट्वीट कर ये जानकारी दे चुके हैं कि ऐसा संबंध उनके पास पहुंचा है और वो जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं, और कल 11 बजे वो सीबीआई हेडक्वार्टर जरूर जाएंगे। जी मोहित, जिस तरह आपने बताया कि 16 घंटे तक लगातार रेड की गई और उसके बाद तमाम ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर अब उनसे पूछताछ की जाएगी, क्या लगता है आगे मनीष सिसोदिया? क्योंकि देखिए, वो शुरुआत से ही केंद्र सरकार पर काफी ज्यादा हावी रहे हैं और हमेशा वो कहते रहे कि चाहे जितनी भी जांच करा लीजिए, हम ना दोषी हैं ना दोषी पाए जाएंगे। क्या लगता है, मुश्किलें बढ़ सकती है उनकी? देखिए, आम आदमी पार्टी ये भी साफ कह चुकी है कि उनको लग रहा है कि उन्हें पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर जेल में भेजा जाएगा। हालांकि पुलिस और जो सीबीआई जो पूरी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीबीआई ये जानती है कि पुख्ता सबूत होंगे तभी अरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि ये मामला जो है बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। ऐसे में एक जो कोताही बरतने के मूड में तो सीबीआई भी नहीं होगी, इसीलिए कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ के बाद पता लगेगा कि जो तमाम अभी तक रेड हुई है उनके बारे में उप मुख्यमंत्री से क्या सवाल पूछे जाते हैं, और अगर सवाल पूछे जाते हैं और क्या भूमिका नजर आती है, उसके बाद ही सीबीआई आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक जो है वो इतनी बात क्लियर है कि ये जो तमाम रेड्स हुई हैं उन्हीं रेड्स को आधार बनाकर कल की पूछताछ के लिए उप मुख्यमंत्री को समन करके बुलाया गया है। जी बिल्कुल, क्या इसको लेकर अब तक कोई रिएक्शन आम आदमी पार्टी की ओर से दिया गया हो? देखिए, अभी खुद मनीष सिसोदिया का ट्वीट आया है और उन्होंने सत्यमेव जयते की बात कहते हुए कहा है कि वो सहयोग करेंगे जांच में। कुछ देर में जो इनके चीफ स्पोक्सपर्सन हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी प्रेस वार्ता करने वाले हैं, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आएगा। तो फिर आगे की जो रणनीति है आम आदमी पार्टी की, वो भी स्पष्ट होगी कि इस पूरे घटनाक्रम को वो आगे कैसे ले जाती है। लेकिन अभी तक जो है वो उप मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि वो जांच में सहयोग जरूर करें। जी बिल्कुल, देखिए जांच में सहयोग की बात साफ तौर पर कही गई है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई जांच में जो भी तथ्य पेश किए जाएंगे उस पर जवाब दे पाएंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, या फिर कुछ और ही देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहित।